भारतीय लश्कर में पण हवे महिला अधिकारियों ने स्थायी कमीशन नो लाभ मळशे। केन्द्रीय रक्षा मंत्री जाहिर करेला नोटिफिकेशन ने बाद हवे लश्कर में विविध टोचना पद पर महिला अधिकारी तैनात थई शकशे। लश्कर में महिला अधिकारी ने स्थायी कमीशन नो लाभ। एर डिफेंस, सिग्नल एंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकेनिकल एंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉप्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स अने इंटेलिजेंस। लश्कर में विविध टोचना पद पर महिला अधिकारी नी थशे तैनाती। भारतीय लश्कर में पण हवे महिला अधिकारी ने स्थायी कमीशन नो लाभ आपवा केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय सत्तावार रीते मंजूरी आपी दीधी छे। सरकारे जाहिर करेला नोटिफिकेशन ने बाद हवे लश्कर में विविध टोचना पद पर महिला अधिकारी तैनात थई शकशे। सरकारना आदेश ने पगले शॉर्ट सर्विस कमीशन नी महिला अधिकारियों ने भारतीय लश्करना तमाम 10 भागों में स्थायी कमीशन नी मंजूरी आपवामां आवी छे। हवेथी लश्कर में एर डिफेंस, सिग्नल एंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकेनिकल एंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉप्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स अने इंटेलिजेंस कॉप्स में पण महिला अधिकारियों ने स्थायी कमीशन मिली शकशे। साथे साथे ज एक एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कॉप्स में पण आ सुविधानो अमल कराशे। केन्द्रना आ आदेश बाद टूंक समय में ज परमानेंट कमीशन सिलेक्शन बोर्ड द्वारा महिला अधिकारियों ने भर्ती कराशे। आ माटे लश्करना वड़ा मथक द्वारा केटलाक पगला लेवामां आव्या छे। सिलेक्शन बोर्ड द्वारा पण तमाम एसएससी महिलाओं तरफथी ऑप्शन्स अने तमाम दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण करी देवाशे अने कार्यवाही शुरू कराशे। जो कि आ निमणूक कॉम्बेट ऑपरेशन में नहीं थाय। सुप्रीम कोर्टे पण तेना ऑर्डर में आ बाबत ने अलग राखी हती। भारतीय लश्कर द्वारा जाहिर करायेला निवेदन में जणावायुं छे कि आर्मी देशनी तमाम महिला अधिकारियों ने देशनी सेवा करवानी तक आपवा तैयार छे। उल्लेखनीय छे कि स्थायी कमीशन ने लईने लांबा समयथी मांगणी करवामां आवी रही हती। सुप्रीम कोर्टे आ केस में सुनावणी करी हती। सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र सरकार ने फटकार लगावी हती। सुप्रीम कोर्टे आ कमीशन रचवा 3 महीनानो समय केन्द्र ने आप्यो हतो। सुप्रीम कोर्टे फेब्रुआरी में स्थायी कमीशन अंगे ऐतिहासिक चुकादो आप्यो हतो अने हवे सरकारे लश्करना टोचना पदे महिलाओं ने भर्ती करवा लीली झंडी आपी दीधी छे। त्यारे हवे भारतीय सेना में मर्दानीनो वट देखाशे। ब्यूरो रिपोर्ट, मंतव्य न्यूज़।